इस पॉडकास्ट ते तुहाडा स्वागत ते मैं तुहाडा अपना शायर यार। अज दे इस प्रोग्राम तुसी सुनोगे पंजाबी दी प्रसिद्ध लेखिका अजीत कौर दी लिखी हुई कहानी कमरा नंबर 8। सारी रात ओह पींदी रही, सुरख रंग दी कोई शराब सी। कोल उन्हें वड्डी सारी थर्मस विच बर्फ भर रखी सी। बर्फ दे टुकड़े गलास विच पाई जांदी, पी जांदी। सिगरट दे बाद सिगरट, गलास दे बाद गलास। कुछ कु मिंट लंघदे ते ओह उठ के कमरे विच टहलन लगदी। गुसलखाने दी बत्ती दा स्विच शायद हर वार भुल जांदी। सारे स्विच ऑन करके वेखदी, कदे कमरे की बत्ती जगदी ते कदे कोई, ते कदे कोई पखा चल पैंदा ते कदे कोई। स्विच ऑन करी जांदी, ऑफ करी जांदी। गुसलखाने की बत्ती दा स्विच सब तो आखीर विच मिलदा। गुसलखाने की बत्ती जगदी, दरवाजा बंद हुंदा, शॉवर की आवाज़ आउंदी। शायद हर बार उठ के नहाउंदी सी ओ। फिर मेरी रता को अख लग गई, तड़का होण ते आया, बाहर कां बोलिया। कां दी आवाज़ नाल ही शायद मेरी जाग खुल गई। तकिया तां ओ कुर्सी ते निटाल बैठी सी, सिर पिछे कुर्सी दी बैक ते सुट के, अखां बंद करके। मैं गौ नाल ओदे मूँह वल तकिया। एक पूरी रात असां इको कमरे विच बिताई सी। सारी रात एक दर्द उने ते मैं इकट्ठियां इको छत हेठ हंडाया सी। इह दर्द ओदा अपना सी ते मेरा पराया सी, फर्क सिर्फ इन्ना सी। पर दर्द शायद इनफेक्शन डिजीज़ है, घट्टो घट मेरे लिए तां है। मैं झट उस इनफेक्शन नूं कैच कर लैंदी हाँ, शायद इसलिए। सारी रात असां दोहां ने उनिंद्रा भी इकट्ठियां ही हंडाया सी, उहदा अपना ते मेरा पराया उनिंद्रा। सारी रात वह भी जागदी रही सी ते मैं भी उहदे नाल जागदी रही सां, बिना उसनूं जाने, बिना उहदे चेहरे की पछाण दे। सिर्फ यह एक मनुख सी उस कमरे विच, जिहड़ा बहुत बहुत बेचैन सी। इन्नी तलख बेचैनी दे गवांढ च रह के कोई किस तरह बेलाग रह सकता है। पर इस सब कुछ दे बावजूद मैं ते ओह अजीब अजनबी सां। उस दे नंगे दर्द नूं नज़र भर के तक नहीं सी सकदी, अखां चुरा रही सां मैं। सारी रात जिस वेले बत्ती जगदी हुंदी सी, उहदे चेहरे वल तकण दी हिम्मत नहीं सी पैंदी। बुझी बत्ती विच सिर्फ उहदे चेहरे दा ते हत्थां दा अहसास हुंदा सी। जिस वेले सिगरट दा दगदा पॉइंट नेरे विच हेठों उत्ते जांदा सी अते उत्तों हेठां आउंदा सी, उसदा चेहरा थकावट नाल हंबिया पिया सी। झुरड़ी कोई नहीं सी, पर चेहरे दा मास रता को ढिला लग रहा सी। चेहरा चालियां तों उरां दा सी, पर गर्दन ते हथ घट्टो घट 45 दे। नीले रंग दे नाइट गाउन विच लिपटी ओ कुर्सी ते इंज पई सी जिवें जिंदगी दियां सारियां बाजियां हार के ते सारियां वेड़ियां सने पतवारां दे ते चप्पुआं दे रोड़ के बैठी होवे। कावां दी आवाज़ नाल उहदी भी शायद जाग खुल गई। पर जिस वेले उहने उसे तरह अडोल बैठिया बैठिया अखां खोल दित्तियां, मैनूं शक होया कि उह पहलों भी सुती नहीं सी, सिर्फ अखां बंद सन। शायद अंतां दी थकावट करके जां सारी रात लगातार पीती गई शराब करके। मैं झट नज़रां चुरा लईआं, पासा परत के कंध वल मूँह कर लिया। बंबई आके मैं हमेशा YWCA विच ठहरदी हाँ। एक धारणा बनी हुई है मन विच कि कुड़ियां दा होस्टल सेफ होवेगा। है भी सेफ, पर कमरे पुराने, मंजे दे लोहे, उत्ते रूं दे सख्त गुड़म्मा वाले गद्दे। जिन्ने दिन रहिंदी हाँ नींदर दी गोली खा के सौना पैंदा है। ऐतकी आई तां पुराने YWCA दे नाल एक नवीं नकोर इमारत बनी हुई सी, YWCA इंटरनेशनल गैसट हाउस। सोचिया इस विच रहा जावे। रिसेप्शन तो पता लगा कि बखरा कमरा कोई नहीं खाली है, हाँ डॉरमेंटरी है। चार मंजिया वाला खुला हाल कमरा जिस विच इस वेले सिर्फ एक होर गैसट है। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, दो मंजिया की बित पा के सौ जावांगी।
की हर्जे, नवी तरह रह के भी वेखना चाहीदा है। सो इस कमरे विच आ गई। एक शाम तो अगली सवेर तक यह औरत इको कमरे विच मेरे नाल रह रही सी। किसी अनोखी अणबैनी पीड़ नाल लड़ रही सी ते मैनू लग रहा सी इस पीड़ नू वंडाउण तों मैं असमर्थ सां। कंध वाले पासे मूँह करके भी जिमें मैं उसनू वेख सकती सां मेरी पिठ वाले पासे बैठी हुई नू। आवाज़ तो अंदाजा होया कि वह उठी सी। उठ के बारला दरवाजा उन्हें खोलिया सी, घंटी दवाई सी। वह बूहे विच ही खड़ी रही। नाइट ड्यूटी वाला वेटर अखां मलदा होया आया। ये सब मैं आवाज़ों तो अंदाजा लगा रही सां। उस पासे तकन दी जरूरत नहीं सी मेरे विच। उसने कहा, हम एक बाल्टी पानी मांगता। वेरी वेल मैम, बैरे ने रटिया रटाया फिकरा दोहराया। वो अंदर आके फिर बालकोनी दे बूहे विच जा खलोती। माचिस दी तीली कसाण दी आवाज़ आई। उन्हें शायद सिगरेट सुलगाया सी। पानी आ गया, फिर उन्हें बर्फ मंगवाई। भर भर के पानी दे गलास विच बर्फ दे टुकड़े पा पा वह पींदी रही, जिस तरह रातीं शराब पींदी रही सी। अद्धे घंटे मगरों पानी दी एक होर बोतल, फिर होर। जिन्ना चिर मैं उठी, बैड टी पीती, तैयार हुई, ब्रेकफास्ट खादा, वह पानी दे गलास पींदी रही। गलास तो मगरों गलास, जिमें अंदर बलदी किसी भट्ठी नूं बुझा रही होवे। पर भट्ठी सी कि बुझण विच ही नहीं सी आ रही। मेम साहब बैठी, वह भावें बिस्तर ते नहीं कुर्सी ते बैठी सी, पर सवेर दे प्याले दा नां बैड टी ही सी। सो बहरा ट्रे लैके उहदे कोल खड़ा पुछ रहा सी। शायद पुछण दा इह मतलब सी कि ट्रे कित्थे रखां, नहीं मंगदा। ट्रे वापस चली गई। घंटे कु मगरों ब्रेकफास्ट आया, नहीं मंगदा। न्यूज़पेपर, नहीं मंगदा। मैं नहा रही सां, बारला बूहा खड़किया, हल्की टिक टिक, फिर जोर दी ठक ठक। उन्हें बूहा खोलिया, पता नहीं कौन सी। गुसलखाने विच मैनू उस दे चीखण दी आवाज़ आई। आई डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्बड। वाई डू यू डिस्टर्ब मी अगैन एंड अगैन। नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नो टी, नो ब्रेकफास्ट, डोंट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब। मैं बाहर निकली। वह फिर कुर्सी ते निटाल बैठी सी, सिर पिछे सुट के। मैं वेख्या उहदे वाल छोटे छोटे कट्टे हुए सन, कुर्सी दी पिठ नाल बेजान जहे टिके हुए। उहदियां उंगलां विच सिगरेट सुलग रही सी। हथ कुर्सी दी बांह ते पिया सी, बिल्कुल निमाणा जिहा, बेचारा जिहा लग रहा सी। उस वेले एक पल लई मन विचों ख्याल गुजरिया कि उसदे मोढ़ियां दुआले बाहां बुला के उहदा सिर अपने मोढ़े नाल टका लवां ते पुछां, तैनू की तकलीफ है? मैनू दस, किसी नाल गल नहीं करेंगी तां पागल हो जावेंगी। ये दुनिया तां चंगे भले बंदे दी बात नहीं पुछदी। पागल हो जावेंगी तां कोई नेड़े नहीं आएगा। पर नहीं, कुछ नहीं कहा मैं। उस दे दर्द दे नंगेज नू तकन दी शायद मेरे विच हिम्मत नहीं सी। नाले बंबई मैं कम करन आई हुई सां। 9:30 बज रहे सन। दफ्तर दे खुलण दा वेला हो रहा सी। मैं बाहर जाना सी। शाम नू परत के आई तां पूरा कमरा सिगरट दे धुएं नाल भरिया होया सी। उह शायद अंदर गुसलखाने विच नहा रही सी। कमरे दी बंद हवा विच सां कुट रहा सी। मैं दोवें बारियां खोल दित्तियां, परदे हटा दित्ते, बाहर बालकोनी ते खुलण वाला दरवाजा खोल दित्ता। बालकोनी विच निकल के खड़ो गई। यह कमरा दूजी मंजिल ते सी। हेठों पापूलर दा एक रुख दीवार दे नाल करके ही सिद्धा उत्ते वल नूं आ रहा सी। उस दे सिर उतलियां नरम क्रुमलां नूं मैं हथ वधा के छौ सकदी सां। मैं हथ वधा के उन्हां नूं इस तरह दुलारिया जिवें सुत्ते बच्चे दीआं गल्लां नूं पलोसी दाए। एक मुस्कराहट मेरे होंठां ते आ खड़ोती। ताइए महसूस होया मेरे ऐन पिछे कोई खड़ा सी। त्रबक के वेख्या उही सी। मेरे पिछे दरवाजे दे कोल करके पए मेज़ तों सिगरटां दी डब्बी चुक रही सी। मैनू लगा मेरी मुस्कराहट जिवें कोई अनएथिकल गल सी।
बेवसी बेमौका। मैं जिवें उहदी चोरी कर रही सां ते उसने मेरी चोरी फड़ लई सी। मैनू शर्म आई, बालकोनी विचों हट गई। मैनू लगा उस कमरे विच ना मैं अपने बिस्तर ते लेट सकदी सां, ना कुर्सी ते बह सकदी सां, ना पढ़ सकदी सां, ना आराम कर सकदी सां। मैं जिवें कोई चोर सां उस दियां नज़रां तों बच रही सां। इन्नी पीड़ दे सामने हर मनुख शायद चोर हुंदा है, क्योंकि उह इस पीड़ विचों हिस्सा नहीं बना सकता। हर मनुख नूं अपनी सलीब अपने ही मोढ़ियां ते चुक के उस थां लिजाणी पैंदी है जिथे उस सलीब नूं गड़ के उसनों उस नाल सूली ते चाढ़िया जाएगा। मैं चुप चाप नहा के कपड़े बदल के बाहर चली गई। नेड़े दे एक सिनेमा हाल विच जा बैठी। कोई ठाठू वाली फिल्म सी। इहो जिहियां मारधाड़ दियां फिल्मां मैनूं कदे चंगियां नहीं लगियां, पर वक्त बिताना सी। सारे दिन की थकी हुई सां ते उत्थे कमरे विच अंतां दी हुमस सी। फिल्म वेख के बाहर निकली। एक छोटे जे रेस्तरां विच दो सैंडविच खा के कॉफी का प्याला पीता। अजीब गल है कि इकल्लियां किधरे बह के वकायदा किस्म की रोटी खानी मैनू वलगर लगती है। इकल्लियां बह के कोई किस तरह रोटी खा सकता है। हाँ, सैंडविच की गल वक्री है। सैंडविच तो महज सैंडविच ने। वापस मुड़ी तो तीजे मंजे लई एक होर औरत आ चुकी सी। ये नवी आई तीवी कोई फॉरनर सी। बड़ी थकी जापदी सी पर गल्लां करन दी शौकीन। मैनू पुछण लगी, तू कित्थों आई है? मैं कहा, दिल्लियों। किस कम? हुण कम की दसदी? गल नूं गोल करके मैं कहा, जर्नलिस्ट हाँ। चक्कर लाउणे पैंदे ने, कदे एक शहर अते कदे दूजा। वह कहन लगी, मैं सैलोन तो आई हाँ। उत्थे हाली मैं 15 दिन हो रहना सी, पर अचानक रिवोल्ट हो गया। सड़कां ते गोलियां चल रही सन। हल्ले गुल्ले तो हमेशा मैनू डर लगता है। मैं दौड़ आई। वह हसी, रिवोल्ट की वजह नहीं पता लगी? इधर अखबार वाले तो कुछ पल्ले नहीं पाते। नहीं, मैनू कोई समझ नहीं आई। कोई कुछ कह रहा सी, कोई कुछ, पर मैं बहुता ध्यान नहीं दिता। रौले रप्पे विच मैनू कोई दिलचस्पी नहीं, ना सियासत दे शोर विच। रौला तो मेरे अपने मुल्क च बथेरा है। स्टेटस विच दुनिया के इस हिस्से विच मैं शांति की तलाश च आई सां। अचानक उहदी आवाज़ बहुत उदास हो गई। जिन्ना चिर मेरे नाल गल्लां कर रही सी, नाल नाल अपने बक्से विचों कपड़े कढ कढ के हैंगरां ते टंगदी जांदी सी। पर यह गल कह के एक हथ विच कोई कपड़ा ते दूजे विच हैंगर फड़ के वह जिमें थक के मंजे ते बह गई। मैनू सुझ नहीं सी रहा कि हुण मैनू की कहना चाहिदा है। गुसलखाने दे दरवाजे वल वेख्या, शायद वह औरत बाहर आ जाए ते माहौल बदल जाए, पर नहीं। नजात दी जदों लोड़ हुंदी है नहीं मिलती। स्टेटस विच यानी घर अपने, तू कम करनी है? हाँ, मैं टीचर हाँ। तेरा टब्बर ही उत्थे होवेगा, तेनू याद करदे होणगे। बड़ी बेवकूफी वाली गल सी, पर गल्लां भी कितें टेप कीतियां हुंदियां ने कि ठीक पल विच ठीक गल ही बजाई जा सके। कोई टब्बर नहीं, उहदी आवाज़ जिवें खूह विचों आ रही सी। उहदियां नज़रां परे बालकोनी तो पार दूर कितें तक रहियां सन। इक्को पुत्तर सी, बड़े सालां तों इकल्लिआं उहनूं पालिआ सी। एयरफोर्स विच सी, वियतनाम विच मारिआ गिआ। ओ, आई एम सो सॉरी। आम तौर ते इह लफ्ज़ झूठे हुंदे ने, पर इस वेले झूठ नहीं सां कह रही। लगदा सी पागल हो जावांगी। फिर सोचिआ, किधरे निकल के दौड़ जावां। यही सुझिआ कि दुनिया के इस हिस्से विच शायद बहुत सारी शांति होवेगी। शायद इतों की हवा विच ते मिट्टी विच शांति होवेगी। योगा, मेहर बाबा, सत्या साईं बाबा, इन्हां बारे पढ़ रखिआ सी, सो इधर दौड़ आई। इन्ने चिर विच गुसलखाने का दरवाजा खुल्लिआ। ओह, बाहर निकली। बिस्तरे की सफेद चादर नूं उहने पिठ पिछों बाहवां दे हेठ हुंदी अगां लिया के खब्बे सिरे नूं सज्जे मोढ़े ते सज्जे सिरे नूं खब्बे मोढ़े ते
सुट्टिया होया सी। सफेद चादर विच लिपटी वह बहुत खूबसूरत लग रही सी। शायद तीजी औरत दे आउण नाल वह फॉरनर तीवी गल्लां बंद करके अपने कपड़े मुड़ के हैंगरां ते टंगण विच मसरूफ हो गई। मैं नहाउण लई गुसलखाने विच चली गई। गुसलखाने विच अजे भी किसे टैलकाम की बहुत प्यारी खुशबू उड़ रही सी। नहा के बाहर निकली तो वह विदेशी तीवी अपने मंजे वाली बत्ती बुझा के लेट चुकी सी। वो मेरी पुरानी साथण अपने मंजे दे कोल कुर्सी ते बैठी अपने नौहां तों पुराना पालिश ला रही सी। नवें पॉलिश की शीशी उदे कोल पई सी। मैनू तसली हुई कि वह शायद नॉर्मल हो रही सी। अपने मंजे की बत्ती जगाउंदी तो रोशनी सीधी उस विदेशी तीवी दे मूँह ते पैनी सी, सो नहीं जगाई। कुछ पढ़न तो बिना सौना भी नामुमकिन सी। नाले अजे सिर्फ 11 ही बजे सन। भावें पिछली रात उक्का नहीं सी सुती पर इस वेले नहा धो के कुछ पढ़न नूं दिल कर रहा सी। सो दो तीन किताबां बक्से विचों कढ़ियां ते लौंज विच चली गई। घंटे कु मगरों मुड़ी तो नींदर सिर विच गाढ़े धुएं वांगू भर रही सी। हौली जिही कमरे का दरवाजा खोलिया, वह कुर्सी ते बैठी सी। एक हथ विच सुलगदा होया सिगरट, दूजे हथ विच शराब का गिलास, सुरख रंग की शराब विच बर्फ का तैरता होया टुकड़ा। मैं चुपचाप जाके अपनी मंजी ते लेट गई। उही बेचैनी, उही घड़ी मुड़ी उठना, बुझदियां जगदियां बत्तियां, गुसलखाना, शॉवर, शराब, होर शराब, खुलदा बंद हुंदा थर्मस, बर्फ दे टुकड़ियां दी खनकार। वक्त दे पैरां नाल किसे ने बेड़ियां बन के किसे हनेरे तहखाने विच बंद कर दिता सी। उत्थे उह पत्थर दियां बोलियां दीवारां नाल सिर मार रहा सी ते कोहे जा रहे सूर वांगू चीक रहा सी। मैनू अहसास हो रहा सी कि उस अमरीकन औरत नूं भी नींदर नहीं सी आ रही। अपने मंजे ते बड़ी बेरामी नाल उह पासे परत रही सी। बहुत बेचैनी नाल कदे चादर उत्ते लैंदी सी, कदे ला दिंदी सी। फिर उहने सरहाणा सिर हेठों कढ के मूँह ते धर लिया, उत्तों दोवें बाहवां नाल दबा लिया। शायद सारियां आवाज़ां तों अपने आप नूं अलग करन दी कोशिश कर रही सी। पर कमरे विच इह जिहड़ी इक वहशत भरी पीड़ घुमड़ रही सी, एक खामोश बेचैनी, अप्रेसिव रेसलैसनैस जिहड़ी दीवारां दे अंदर भर गई सी। एक हुम्मस वांगू, एक सफोकेशन वांगू, उसनू अपने आपे तो बाहर कोई किवें डक सकदा सी। आखिर वह जिवें चुंझला के मंजे ते उठ के बह गई। फॉर हैवनज सेक स्टॉप इट, आई वॉन्ट टू स्लीप। कौन मना कर रहा है, सौ जा ना। वह औरत ना अपनी थां तो हिली, ना मुड़ के तकिया, उसे तरह बैठी बैठी बड़ी रोबदार आवाज विच बोली, कौन सौ सकता है इस तरह? जब तक तू ना सौवें कोई नहीं सौ सकता इस कमरे विच। मेरे सौण ना सौण विच इंटरफेरेंस भी कोई नहीं कर सकता। मेरी मर्जी होवेगी सौवांगी, नहीं मर्जी होवेगी नहीं सौवांगी। अमरीकन औरत की आवाज़ गुस्से नाल कंबन लगी। तू की सोचनी है कि एक तू ही दुखी है? तू यह सोचदी है कि तेरी तकलीफ ने तैनू लाइसेंस दे दिता है कि तू सिर्फ अपने लिए जीवे? इस तरह जिवें कोई आखे तू की समझ रख्या है अपने आप नू? नवाबजादी है तू कोई? किधर दी हूर परी है तू? गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर अबाउट योर नर्व्स, उस तीवी ने कहा अडोल बैठी बैठी ने ही। ओ, अमरीकन औरत ने गुस्से नाल तिल मिला के कहा ते उठ के अपना सरहाणा ते चादर चुक के लाउंज विच चली गई, शायद लाउंज दे सोफे ते सौण लई। अगले दिन शाम वेले कमरे दे बूहे ते टिक टिक हुई। मैं दरवाजा खोलिया, YWCA द मैसेंजर बॉय सी, नाल एक पादरी। मैसेंजर बॉय ने मेरी साथन नूं कहा फादर इज हेयर। वह अखां मीट के कुर्सी ते बैठी सी। वह उठ खड़ोती, उसे तरह सफेद चादर विच लिपटी हुई वह पादरी नाल लाउंज विच चली गई। उंज मैं बड़ी शायस्ता किस्म की औरत हाँ,
किसी की गल चोरी चोरी सुननी मेरे वस की गल नहीं, पर उस औरत बारे पता नहीं की गल सी। मैं भी उठ के लाउंज के नाल वाले रीडिंग रूम में तुर पई। क्यूरियोसिटी पता नहीं, पर मैं उस बारे जानना चाहती साले। शायद यह भी सोचा होगा कि इसकी पीड़ सारी सारी रात मैं शेयर करती रही हाँ खामोश, इस नंगी पीड़ की गली विच्चों छटपटांदियां लंघदी नूं वेखदी रही हाँ नंगियां अखां नाल। फिर ओला कादा? ओह पादरी नूं कह रही सी, फादर आई डोंट हैव एनी कन्फेक्शन टू मेक। कोई नहीं सी गल करन वाला, नॉट अ सिंगल सोल टू टॉक टू। यह सारी पीड़ अकल्या बर्दाश्त नहीं सी हो रही। यह इकलापन, यह लोनलीनैस, होपलैस, हैल्पलैस, फ्रस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक लोनलीनैस। मैं सोचिया जे किसी नाल गल नहीं करांगी तो पागल हो जावांगी। उसकी आवाज़ विच कुछ इस तरह की ना उम्मीदी सी, कुछ इस तरह की लाचारी सी, कुछ इस तरह की निटाल सी ओ आवाज़ कि मैं उत्थों तुर आई। तुरद्यां तुरद्यां उस दियां गल्लां दे कुछ टुकड़े भी मेरे नाल तुरदे आ गए। कह रही सी, जिथे मैं रहिंदी हाँ उत्थों दियां खाली सखणियां दीवारां नाल सिर पटक पटक के कई आवाज़ां रोंदियां सन। मेरे इकल्ले दिन ते इकल्लियां रातां दियां बेआवाज़ आवाज़ां इत्थे दौड़ आई, पर लगदा है सिर्फ दीवारां ही उत्थे छड आई हाँ। बाकी सारियां गल्लां ते रोण दियां आवाज़ां ते अणबगे अथरू दा सैलाब सब नाल लै आई हाँ। दीवारां विच ही नहीं, ओ ते मेरी छाती विच भी रोंदियां ने सारियां दियां सारियां आवाज़ां। मैं कित्थे जावां? अगले दिन चौथे मंजे वाली कुड़ी भी आ गई। सवेर तो शाम तक अखबारां दे वॉन्टड कालम पढ़ती रही, नौकरी लभ रही सी शायद। अचानक मैनू ख्याल आया किसी अखबार दे किसी वॉन्टड कालम विच कोई इहो जिहा इश्तिहार नहीं, इश्तिहार नहीं एक सुनेहा, कोई इहो जिहा सुनेहा नहीं छप सकता कि एक औरत उम्र चालियां दे परले पासे खूबसूरत, बहुत बहुत अकली, बहुत बहुत तेज़ तलख पीड़ विच्चों गुजर रही, उसनू लोड़ है किसी महबूब मर्द दी। जिथे भी किधरे कोई बहुत बहुत इकला मर्द जिसने जिंदगी दी तलखी नू पीता होवे, इस सुनेहे नू पढ़दा होवे, ओहो YWCA इंटरनेशनल गैसट हाउस दे कमरा नंबर 8 विच आ जावे। पर छेती, बहुत छेती, इकलेपन दी हुमस विच कुछ नहीं पता हुंदा कि केड़ा सा आएगा केड़ा नहीं आएगा। शुक्रिया।